नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पुरातत्व विभाग से जुड़े केस से दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिलने के बाद दीप सिद्धू रकाबगंज गुरुद्वारा माथा टेकने पहुंचा। इस मौके पर दीप सिद्धू ने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का रिहाई में सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया। दिल्ली की अदालत ने जमानत देते हुए कहा है कि दीप सिद्धू के 14 दिनों की हिरासत में रखकर पुलिस ने पूछताछ कर ली है। अदालत ने इस बात पर गौर किया था कि आरोपी 9 फरवरी 2021 से हिरासत में है और वह इस दौरान 14 दिन पुलिस की हिरासत में भी रहा। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आवाज के नमूने के मकसद से सिद्धू को और हिरासत में रखने की पुलिस की याचिका तर्कसंगत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की मतगणना के संदर्भ में अहम ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 2 मई को होने वाली मतगणना के दौरान किसी भी तरह का विजय जुलूस नहीं निकलेगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग की ओर से यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट द्वारा की गई गंभीर टिप्पणी के बाद लिया गया। हाईकोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना करते हुए देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए उसे अकेले जिम्मेदार करार देते हुए सबसे गैर जिम्मेदार संस्था बताया था। टीकाकरण का नया चरण शुरू होने के साथ ही भारत को नई रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी मिलने जा रही है। देश में स्पुतनिक वी की पहली खेप 1 मई को पहुंच रही है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि इस खेप में वैक्सीन के कितने डोज शामिल होंगे। सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। कोरोना से बचाव के लिए कई देशों में लॉकडाउन लगा है। इस बीच जिन देशों में अभी भी फ्लाइट्स की सेवा चालू है वहां भी प्रॉपर जांच और कोरोना की रिपोर्ट देखकर ही ट्रैवल करने की अनुमति दी जा रही है। इस जांच से गुजरकर ही दिल्ली एयरपोर्ट से हांगकांग के लिए 118 यात्री रवाना हुए थे। जब सभी फ्लाइट में बैठे थे तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन 9 घंटे की फ्लाइट में इनमें 52 यात्री कोरोना संक्रमित हो गए। भारत से हांगकांग पहुंचते रास्ते में ही 118 यात्रियों में से 52 कोरोना से संक्रमित हो गए। इससे सभी अचंभित है कि आखिर कैसे फ्लाइट में ही सभी संक्रमित हो गए। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की जिला अदालतों, अधिकरणों और परिवार न्यायालयों के लिए नई गाइडेंस जारी की है। इसके तहत मुकदमों की सुनवाई अब सिर्फ वर्चुअल मोड से ही होगी। भौतिक रूप से उपस्थित होकर कोई मुकदमा नहीं सुना जाएगा। हाईकोर्ट ने वकीलों, वादकारी, स्टाम्प वेंडर, एडवोकेट और क्लर्क के अदालत परिसर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव ने भी यह आदेश दिया है। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण अभियान 1 मई से शुरू होगा। वैसे तो इस आयु के लोगों का टीकाकरण मुफ्त में नहीं किया जाएगा, फिर भी देश के 24 राज्यों ने 18 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए बिना किसी शुल्क के कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने का ऐलान किया है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के कोविड से जुड़ी राष्ट्रीय योजना पर सुनवाई होने जा रही है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति, टीकाकरण की प्रणाली और तरीके और लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्य के पास रखने और इसे न्यायिक फैसला नहीं बनाया जाने पर राष्ट्रीय योजना मांगी थी। कोरोना की दूसरी लहर से राजस्थान में मचे हाहाकार के बीच अशोक गहलोत सरकार के 3 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह आज मंगलवार को दिल्ली आ रहा है। मंत्रियों का यह समूह केंद्र सरकार के मंत्रियों से राजस्थान को कोविड-19 संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परिवहन के लिए टैंकर और दवाओं सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति का कोटा बढ़ाने की मांग कर रहा है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि देश को कोरोना संक्रमण की आपदा से लड़ने के लिए एक साथ होने की जरूरत है। सोनिया ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार का सहयोग करने को तैयार है। यह आप बनाम हम नहीं बल्कि देश बनाम कोरोना की जंग है। सोनिया ने कहा है कि हमें देश एक देश के तौर पर कोरोना का मुकाबला करना होगा। सोनिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि लड़ाई कोरोना के खिलाफ है। यह लड़ाई कांग्रेस या अन्य राजनीतिक विपक्षों के खिलाफ नहीं है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बाद दो पक्षों के बीच विवाद के बाद हुई हिंसा और आगजनी के मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद रिजवान जही और यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को तुलसीपुर थाना क्षेत्र के बेरीखुर्द गांव में मतदान के बाद रिजवान जही और दीपांकर सिंह के समर्थकों के बीच संघर्ष हो गया था और इसके बाद दीपांकर सिंह की 2 लग्जरी गाड़ियां फूंक दी गई और 2 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।